ये चार भव्य तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस की हैं। शनिवार को 66 साल के राजा महावोजिरोंगकोन का भव्य और परंपरागत तरीके से राज्याभिषेक हुआ। ये राज्याभिषेक समारोह बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस के चक्रवत विमान शाही आवास में। इसकी शुरुआत राजा के ग्रैंड पैलेस में पहुंचने के साथ हुई। राजा ने अपनी रोल्स रॉयस से पूरे लाभ लश्कर के साथ महल में एंट्री की। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोग खड़े थे और राजा के जयकारे लगा रहे थे। राजमहल के बाहर इस मौके पर उन्हें सेना ने तोपों की सलामी दी। महल पहुंचने के बाद पहले राजा को मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जल से नहलाया गया। ये जल थाईलैंड के 76 प्रांतों से एकत्र किया गया था। इसके बाद बौद्ध रीति रिवाज से राज्याभिषेक की परंपराएं पूरी हुई। फिर ग्रैंड पैलेस में राजा ने 200 साल पुराना 7.3 किलो 66 सेंटीमीटर ऊंचा मुकुट पहना, जो शक्ति के साथ उन्हें भगवान के रूप में देखे जाने का प्रतीक है। इस मुकुट को पहनने के बाद वो अब देश की सरकार के मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्याभिषेक के बाद राजा ने कहा कि मैं अपने लोगों की रक्षा और उनके फायदे के लिए काम करूंगा। आपको बता दें कि राज्याभिषेक से ठीक 3 दिन पहले वो अपनी सुरक्षा गार्ड सुदीपा से चौथी शादी के कारण पूरी दुनिया में चर्चा में आ गए थे। सुदीपा इस मौके पर रानी की तरह राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुई। थाईलैंड में ज्यादातर लोगों के लिए यह पहला मौका था जब वो राजा का राज्याभिषेक देख रहे थे। आखिरी बार दिवंगत राजा भूमिबोल को 5 मई 1950 को ताज पहनाया गया था। भूमिबोल ने 70 सालों तक देश पर शासन किया। वो दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे। हालांकि महावोजिरोंगकोन को राजा बनाए जाने का विरोध भी हुआ था, लेकिन विरोध के बावजूद उन्होंने थाईलैंड के 10वें राजा के रूप में गद्दी संभाल ली।